तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। भैया, इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो बताने वाला है प्रश्नावली 8.4 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ना, उन सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में मैंने क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। तो भैया कहीं भागो मत, आराम से देखो, एकदम सिंपल है भैया, क्योंकि हम ना भैया एकदम रापची के स्टाइल में समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आइए ना स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ज़रा इस कुटुम्ब साहब पर ध्यान दीजिएगा। तो आइए, ये जो हमारे पास कुछ है इनको हम कहते हैं सर्वसमिका, है ना। तो ये हमारे पास सर्वसमिका है, इनको ज़रा ध्यान से देख लीजिए भैया। अगर इन सर्वसमिका में अगर ये आपको पता है तो ये दोनों आपको याद हो जाएंगे, ये पता है तो ये भी दोनों आपको याद हो जाएंगे, और ये पता है तो ये भी दोनों आपको याद हो जाएंगे। याद क्या हो जाएंगे, हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे एक के बराबर होता है, ये फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो बराबर, और ये एक है तो एक, प्लस का पक्षांतर कर दिए तो माइनस का हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है भैया, दिक्कत वहीं पर आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो कॉस का थीटा, तो कॉस का थीटा बराबर तो बराबर, ये एक है तो एक, प्लस का साइन है ना, हमने इसको इधर पलट दिया तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का साइन उसका थीटा, क्योंकि बराबर में यानी जो प्लस वाला चिन्ह होता है बराबर से उधर लेके जाते हैं, यानी पक्षांतर करते हैं तो माइनस वाला हो जाता है, और जो माइनस वाला रहता है पक्षांतर कर दो प्लस वाला हो जाता है। तो आपने समझ लिया, ठीक उसी तरह सेक उसका थीटा माइनस टेन उसका थीटा बराबर एक, ठीक है। ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस का पक्षांतर के तो प्लस का, ठीक उसी तरह का से हम यहाँ पे क्या किए, जो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो हमने क्या किया इसको उधर जाने दिया, तो इसको उधर जाने देंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर, ये सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 है पक्षांतर किए तो ये माइनस का हो गया। तो इसको हम इस तरीके से तोड़ दिए, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये सब है, आप देख सकते हो यूज होगा, हम आपको बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि 8.4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इन सब समीका का जब हम यूज करते हैं और इसका यूज ना हो तो उन सभी को हम क्या करते हैं, यानी जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन में इन सभी का अगर यूज ना हो रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, साइन या फिर कॉस के रूप में बदल देते हैं। आगे जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आवे करेगा। तो आइए ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप देख सकते क्या कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेके और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी इन सभी को कॉट के पद में व्यक्त कर देना है। तो चलिए पहला को हम बदलते हैं। जैसा कहता है कि साइन ए है ना, ये पहला, तो साइन ए को हम सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, आपको पता होगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखते चलेंगे आपको बताएंगे भी यहाँ भी, ठीक है। साइन में और कॉस ए के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे, या फिर इधर हम लिख देते हैं, देखो साइन ए बराबर क्या होगा, 1/ कॉसेक ए, ठीक है ध्यान रखना, ओके। उसके बाद कॉस ए बराबर क्या होगा, 1/ सेक ए, या फिर कह सकते हो कि सेक ए बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 1/ कॉस ए, ये फॉर्मूला है ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि टेन ए बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 1/ में कॉट ए, ठीक है, या फिर कॉट ए बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 1/ में टेन ए, ये कहोगे कि नहीं कहोगे। और भी हम ले लेते हैं इसमें, जैसे कि कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर क्या होता है, यहीं पे हम बदल देना चाहिए, तो 1/ क्या हो जाएगा, साइन ए, राइट ना, आपने समझ लिया, ये सब फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन ए बराबर क्या होता है, 1/ कॉसेक ए, तो हम क्या करेंगे, साइन ए बराबर 1/ कॉसेक ए लिख देंगे, तो सी ओ एस ई सी कॉसेक ए मैंने लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कॉसेक ए बराबर क्या होता है, यानी कॉट के रूप में हमको लेके जाना है, इस बात को ध्यान रखना। तो जरा देखो भैया, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर यहाँ पे देख लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1+ में कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर स्क्वायर जब हटाओगे तो इसके ऊपर क्या पड़ जाएगा, रूट अंडर पड़ेगा कि नहीं, जब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर पड़ेगा कि नहीं। तो कॉसेक थीटा के जगह पे 1+ कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, उसका रूट अंडर, तो वही बात है,
थीटा के स्थान पे यहाँ पे ए है तो इसको हम बदलेंगे तो वन बटे क्या हो जाएगा भैया, वो होगा वन प्लस में देख लो यहाँ पे फॉर्मूला, वन प्लस क्या है कॉट स्क्वायर ए, थीटा के स्थान पे यहाँ पे ए है तो ए रखेंगे इसका रूट अंडर। अब बताइए साइन ए को हम बदल दिए कि नहीं कॉट ए के पद में, कॉट के पद में आ गया तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया भैया पहला सॉल्व कर लिया, उसी प्रकार से हम चलते हैं दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा समझ लो इसमें ना समझे तो, ठीक है तो ये समझ लिए। दूसरा हमारे पास सेक ए, हमें लाना है किसमें कॉट ए के पदों में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सेक करना है, सेक ए को हमें किसके पद में व्यक्त करना है भैया, तो हमें व्यक्त करना है किसके कॉट ए के पदों में, यानी कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। बड़ा सिंपल सा कैसे करेंगे देख लीजिए, सेक ए बराबर डायरेक्ट हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो भैया ध्यान से देखना कि सेक, हाँ क्या है भैया सेक, सेक इसका थीटा बराबर क्या था वन प्लस टेन इसका थीटा, अगर हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या बचेगा पड़ जाएगा रूट अंडर, यानी स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अंडर पड़ जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हम कह सकते हैं वन प्लस टेन इसका थीटा, तो ये बात है सेक ए, यानी सेक थीटा की जगह पर यहाँ पर ए है तो सेक ए बराबर क्या होगा वन प्लस में टेन स्क्वायर ए का रूट अंडर, ये होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा। अब ये वन प्लस में टेन ए को हम ले जाएंगे कॉट ए के पद में तो टेन ए बराबर क्या होगा, देखो टेन ए बराबर वन बट्टे कॉट ए है ना, तो वन बट्टे में क्या लिखेंगे कॉट ए, अब इसका हम कर देंगे इसका रूट अंडर लगा दीजिए तो आ गया ना कॉट के पद में, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब वही हम क्या करेंगे टेन ए को अब बदलेंगे, टेन ए को हमें बदलना है कॉट के पद में, सिंपल सी बात है टेन ए बराबर फॉर्मूला आते वन बट्टे कॉट ए तो हम लगा देंगे वन बट्टे कॉट ए, आ गया कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो ये हमारे पास क्या गया आंसर आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आपने क्या किया पहला सॉल्व कर लिया, अब हम क्या करेंगे भैया दूसरा सॉल्व करेंगे है ना। आइए अब हम क्या करते हैं दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरा कहता है आपको स्क्रीन पे शो होगा ठीक है, दूसरा कहता है कि कोण ए में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, टोटल छः त्रिकोणमितीय अनुपात है, उन सभी को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, सिंपल सी बात है। तो पहला हमारे पास जैसे कि साइन, साइन ए को हमें ले जाना है सेक ए के पदों में, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे साइन ए को सेक ए के पद में ले जाना है। अच्छा आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, होता है कि नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे भैया अगर ई स्क्वायर अगर हट जाएगा, मान लो कि स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या बचेगा रूट पड़ जाएगा, पड़ जाएगा कि नहीं, तो साइन थीटा बराबर क्या तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए को हम लिख सकते हैं वन माइनस के कॉस स्क्वायर ए का रूट अंडर, लिख सकते कि नहीं साइन ए को, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये आ गया, अब इसको हम क्या करेंगे वन माइनस कॉस ए बराबर क्या होता है कॉस ए बराबर वन बट्टे सेक ए आता है, तो हम लिखेंगे क्या वन बट्टे सेक ए, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर आ गया ठीक है, व्यक्त हो गया साइन ए का हो गया। अब हम क्या करते हैं कॉस को हम कॉस ए को हम क्या करते हैं सेक ए के पदों में व्यक्त करते हैं, तो सिंपल सी बात है कॉस ए को व्यक्त करना कॉस ए बराबर क्या होता है वन बटे सेक ए, ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम कहीं बदले होंगे देखो कॉस ए बराबर वन बटे सेक ए, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया आंसर आ गया। साइन कॉस उसके बाद टेन आ जाता है, टेन ए को हम कैसे बदलेंगे देखो यहाँ फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको पता होगा ना, तो सिंपल सी बात है सारा देखा टेन ए को ना, तो यहाँ पे देख लो टेन ए को हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना, देखो टेन थीटा बराबर क्या आता है यानी टेन इसका थीटा बराबर क्या आता है सेक इसका थीटा माइनस वन, अगर मान लो इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या बचेगा रूट अंडर बचेगा है कि नहीं, तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस वन है ना, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस के वन का रूट अंडर ठीक है, तो हमें सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिए तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। साइन कॉस टेन हो गया, उसके बाद बच गया कॉट ए को बदल लेते हैं, तो चलिए कॉट ए को बदल लेते हैं किस में सेक ए के पदों में, सिंपल सी बात है हम इसको बदलेंगे तो इसको पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए और बटे में साइन ए, ये फॉर्मूला होता है ठीक है, आपको नहीं पता होगा लिख लेना कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए बटे में साइन ए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉट ए बराबर एक, ये भी फॉर्मूला होता है कॉस ए और बटे में साइन ए ओके। एक और होता है टेन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टेन ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा साइन ए और बट्टे में क्या हो जाएगा भैया ये हो जाएगा कॉस ए, ये फॉर्मूला है ध्यान से देख लेना मैंने नीचे भी लिख दिया। अब देखो इन दोनों को हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है,
सिंपल सी बात है, हम कैसे करेंगे, कॉसेक ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला तो हो भी करता है वन बट्टे में सेक ए, है कि नहीं। अब बदलना है साइन ए वाले को, तो साइन ए वाले को हम कैसे बदलेंगे, तो आपको पता है कि साइन है ना, ये हमारे पास है साइन, साइन थीटा जो है इसके किसके बराबर होता है, वन माइनस कॉस का थीटा के रूट अंडर के बराबर। तो साइन थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा के रूट अंडर, यही ना लिख सकते हैं, ये तो हमने निकाल के बताया था, जब स्क्वायर हट जाता है रूट पड़ जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर वन बट्टे में सेक ए और बट्टे वन माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, कोई दिक्कत नहीं, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, वन बट्टे में सेक थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, थीटा के स्थान पे ए है तो ए, ये हमारे पास क्या हो गया सेक ए के पदों में, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा रूट है तो रूटो लगा दीजिए, इसको कहे छोड़िएगा, तो ये भी हो गया साइन कॉस टेन कॉट, ये भी हो गया सेक, तो सेक के पद में ही है, बच गया हमारे पास कॉसेक, यही ना बच गया, तो इसको हम बदल लेते हैं, कॉसेक ए बराबर क्या होता है, हम लिखते हैं वन बट्टे में साइन ए, है कि नहीं, और वन बट्टे में साइन ए बराबर क्या होता है, तो आपको पता है साइन ए बराबर क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, यानी देखो ए तो हम बोल रहे हैं थीटा के स्थान पे ए है यहाँ पे, ठीक है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट अंडर, तो हम यहाँ पे जैसे कि रखे हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट अंडर, यहाँ पे हम थीटा किए हुए हैं, ये हो जाएगा ए, ओके, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे भैया, वन बट्टे में वन माइनस में कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन बट्टे में सेक स्क्वायर ए का रूट अंडर, ये आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया भैया, इसको हम जब बदले तो ये हमारे पास आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त कर दिया, ओके, अब हम क्या करेंगे भैया, अब जो हम सॉल्व करेंगे वो तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ओके, आइए अब हम सॉल्व करते हैं तीसरा का पहला सवाल, जिसमें कहता है मान निकालिए। तो तीसरा का पहला सवाल ये हमारे पास दिया गया, बहुत सिंपल सी बात है, ये हमारे पास इसमें से हम क्या करते हैं किसी एक को बदल लेते हैं, या तो साइन 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को बदल लो, या फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री को बदल लो। आपको पता होगा एक फॉर्मूला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कि नहीं, और वहीं हम बात करते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहते हो क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ध्यान रखना, तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा के जगह पे यहाँ पे कुछ मान दिए गए हैं, तो दोनों में से किसी एक को बदल लो, इसको बदलो या इसको बदलो, तो चलो हम इसको बदल लेते हैं, साइन है तो साइन ही रहने देंगे, लेकिन स्क्वायर लगा दे स्क्वायर लगा देना, ठीक है, तो साइन स्क्वायर इंटू, अब ध्यान से देखना 90 डिग्री, और इसमें से ये ध्यान रखना कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 63 डिग्री आ जाए, तो आप कहोगे भैया हम 27 डिग्री घटा देंगे, तो 63 डिग्री आ जाएगा, प्लस में ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है तो 27 डिग्री रहने दो, और बट्टे में इन दोनों में से किसी एक को बदल लो, चलो हम इसी को बदल लेते हैं, कॉस स्क्वायर है ना, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर और 90 डिग्री माइनस, अब सोचो कि 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 17 डिग्री आ जाएगा, तो आप कहोगे 73 डिग्री घटाएंगे, है ना, अब प्लस में ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है तो 73 डिग्री रहने दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस के 27 डिग्री है, तो अब ध्यान से देखो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे ये है, तो साइन देख लो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर है ना, तो हम ये पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा के स्थान पे क्या है 27 डिग्री, तो 27 डिग्री, लेकिन ध्यान देखना ये स्क्वायर वाला है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए, प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री तो 27 डिग्री, और बट्टे में सेम वही कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा के स्थान पे 73 डिग्री, तो आप देख सकते हो कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर, तो हम लिखेंगे क्या साइन और थीटा के स्थान पे क्या 73 डिग्री, तो हम लिखेंगे 73 डिग्री, और ध्यान रखना कि ये क्या स्क्वायर में है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है, प्लस में ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री तो 73 डिग्री, ओके। अब ध्यान से देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन है ये कॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर थे, ये थीटा है
ये भी थीटा है क्योंकि थीटा और थीटा सेम है, इसलिए तो कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर। साइन का थीटा और प्लस में कॉस का थीटा किसके बराबर होता है, तो एक के बराबर। उल्टा पुल्टा कर दो, दोनों एक ही बात है, एक से कटेगा भैया एक आंसर आएगा, है कि नहीं, तो इसका एक आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो पहला का हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है साइन 25 और कॉस 65, है ना। दूसरा हमारे पास है साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री है, और बीच में शायद प्लस है, हाँ प्लस ही होगा, प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, कॉस 25 डिग्री और साइन क्या है 65 डिग्री, ठीक है। चलो इन दोनों में से हम किसी एक को बदलेंगे, बीच में गुना है, ठीक है, बीच में क्या गुना है, कुछ निशान नहीं है, तो चलो साइन को ही बदल लेते हैं। तो साइन और 90 डिग्री माइनस, 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 25 डिग्री आ जाएगा, तो आप कहोगे 65 डिग्री घटा देंगे तो 25 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं, और इनटू कॉस 65 डिग्री है तो 65 डिग्री ही रहने दो। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो करते क्या है, साइन है ना, तो चलिए बदल देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पे ये, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर, तो कॉस और थीटा के स्थान पे 65 डिग्री, तो 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। अच्छा किसी के मन में ये डाउट आएगा कि अब भैया हम दोनों को काहे नहीं बदल लेते, इसको बदल लेते, इसको भी बदल लेते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जब दो एंगल जो होते हैं इन दोनों को अगर जोड़ते हैं 90 डिग्री पुड़ जाता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, हम दोनों को नहीं बदलते हैं। अब देखोगे 65 और 25 क्या होता है, 90 होता है, 90 हो जाता है, तो इन दोनों में से किसी एक को ही बदलेंगे, दोनों को नहीं बदलेंगे। हाँ अगर ये 25 है, हम मान लो कि ये 60 है, तो 90 नहीं पूरेगा, तब हम उस स्थिति में क्या करते हैं, दोनों को बदल लेते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इधर देख लेते हैं। अच्छा इसको हम इधर सॉल्व नहीं किए थे क्या, नहीं सॉल्व किए, इधर हम कर देते हैं प्लस में, इन दोनों में से किसी एक को बदल लो, इसी को बदल लेते हैं, कॉस है तो कॉस रहने देते हैं, और 90 डिग्री माइनस के कितना डिग्री घटाएंगे तो 25 डिग्री आ जाएगा, तो 65 डिग्री है कि नहीं, और इसको मिटा देते हैं, चलो इनटू साइन 65 डिग्री है तो 65 डिग्री ही रहने देते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में अब हम क्या करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस जो थीटा है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर, तो साइन और थीटा हमारे पास क्या है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री इनटू साइन 65 डिग्री, तो 65 डिग्री। अब बताओ इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री इनटू, है ना, इधर गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपको समझ रहे ना, गुना करेंगे कॉस कॉस से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, थीटा जो है वही रहेगा, साइन साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर, थीटा हमारे पास 65 डिग्री, तो 65 डिग्री रहेगा। कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने क्या किया, तीसरा प्रश्न को सॉल्व कर लिया, तीसरा के दूसरा प्रश्न। अब हम क्या करेंगे, चौथा प्रश्न को हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। आइए अब हम चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चार में टोटल, यानी चौथे नंबर सवाल में टोटल चार को क्वेश्चन दिए गए हैं, उन चारों का सॉल्व करेंगे। तो चौथा का पहला हम सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया है 9 sec स्क्वायर a और माइनस के 9 tan स्क्वायर a, 9 tan स्क्वायर a, ये है सॉल्व करना, बड़ा आसान होता है। इसमें 9 क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, हम कॉमन लेंगे तो इस कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो हम कॉमन लेते हैं उससे उन सभी में भाग देते हैं, तो 9 से इन सब में भाग देंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, तो बचेगा sec स्क्वायर a, है ना, तो sec स्क्वायर a माइनस, ये भी 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा क्या, tan स्क्वायर a, क्या बचेगा, tan स्क्वायर a, है कि नहीं। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, 9 है तो 9, अब ये दोनों में देखो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, आपको फॉर्मूला बताए थे क्या होता है, एक के बराबर होता है, तो 9 गुने 1 तो बराबर हो जाएगा 9, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। उसी प्रकार से हम देख लेते दूसरा, तो हम क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, तो हम इसको अब मिटा देते हैं और दूसरा इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, है ना, वैसे आपको स्क्रीन पे तो शो होगा ही,
कहता है कि वन प्लस में टेन थीटा, वन प्लस में टेन थीटा और प्लस में सेक थीटा, सेक थीटा इनटू, फिर हमारे पास दिया गया वन प्लस में कॉट थीटा, ओके, और माइनस में कॉसेक थीटा, ओके, ये हमको दिया गया है। और ये कहता कि बराबर है, यानी बराबर है, तो चलिए इसमें ऑप्शन वाले हैं, देख लेना, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो इसमें सब समीका का यूज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी फॉर्मूला पे यूज नहीं हो रहा है, यानी सब समीका वाले जो फॉर्मूला हम आपको बताए थे तो नहीं हो रहा है, तो साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे इसको। तो साइन कॉस में कैसे बदलेंगे, सिंपल सी बात है, वन प्लस में टेन थीटा बराबर हम लगा देंगे वही साइन थीटा अब बट्टे में कॉस थीटा, इस वाले फॉर्मूला में हम बदलने की कोशिश करेंगे। सेक थीटा बराबर देख लेना वन बट्टे में कॉस थीटा, है ना, तो साइन और कॉस वाले फॉर्मूला में तो हम लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, जब हमारा सर्व समीका यूज नहीं होता है तब करते हैं ये। वन अ प्लस में कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा अब बट्टे में साइन थीटा, ओके, माइनस में कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, वन बट्टे में साइन थीटा, ओके, तो ये साइन थीटा हमने लगा दिया, इसको बदल दिया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक छिपा रहा था, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो इससे इसमें भाग देंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा से वन में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, इससे इसमें भाग दो एक आएगा, एक से साइन थीटा में गुना करो तो साइन थीटा हो जाएगा, ओके। प्लस में कॉस थीटा से कॉस थीटा भाग देंगे भागफल एक, एक से एक में गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो इसके नीचे एक छिपा है, इन सबका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास साइन थीटा है कि नहीं। अब देखो एक से साइन थीटा में भाग दो तो साइन थीटा से वन में गुना करेंगे तो ये भी साइन थीटा, ओके। प्लस उसके बाद साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा वन, वन से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो कॉस थीटा, और माइनस के भी वही होगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लो हम करते क्या है, है ना, सिंपल सी बात है, अलग अलग करेंगे इन दोनों में, क्योंकि बीच का में गुना का संबंध है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। पूरे को ए मानेंगे, इसको भी ए मानेंगे, और इसको बी मानेंगे, और इसको भी बी मानेंगे। तो आपको पता होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर है ये, है ना, इधर उधर उलट पुलट है उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्लस वाला नहीं होता तो सीधा ही कर लेते हैं, है ना, इसको इधर इसको उधर कर लेते हैं। तो ये रहा साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा, ठीक है, मैंने बदल लिया, और प्लस में वन और बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, इंटू साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा और माइनस के वन बटे में साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो ये पूरा हो गया ए, ये भी पूरा ए, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर, तो बोले तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर और बट्टे में कॉस थीटा साइन थीटा में गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, यही ना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसी पे हम बदलेंगे। ए स्क्वायर कह रहा है ना, तो ए के जगह पे साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे डायरेक्ट, प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए बी, ए हमारे पास साइन थीटा इंटू बी हमारे पास कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा, ठीक है, यानी वन का स्क्वायर वन, और ये माइनस तो माइनस, माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, ये माइनस है तो माइनस है, वन का स्क्वायर वन, इन दोनों में गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है कि नहीं। ये क्या होगा, अब देख लो ध्यान से, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है कि नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है, यानी इसका फॉर्मूला एक होता है, तो ये प्लस का एक रहेगा, ये माइनस का एक, तो आपस में कट जाएगा, है ना, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये सिर्फ बचेगा, यानी हमारे पास बचेगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाकी को क्यों नहीं लिखे, आपको पता है ना कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो एक के बराबर होता है, ये प्लस का एक ये माइनस का एक तो कट जाएगा,
है ना, तो बचेगा ये, तो ये उतार दिए और बट्टे में ये हमारे पास क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, ये हमारे पास कट जाएगा साइन से साइन, कॉस से कॉस कटेगा, तो बचेगा क्या, दो। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गया। ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन वाले हैं तो ऑप्शन में होगा दो, है कि नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। अब आइए हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, तो हम क्या करेंगे भैया, तीसरा प्रश्न जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। चौथा का तीसरा, चौथा का तीसरा क्या कहता है कि सेक ए प्लस में टेन ए, है ना, सेक ए प्लस में टेन ए इंटू वन माइनस के साइन ए। ओके, ये हमारे पास है और बराबर है, ये कह रहा है यानी बराबर है, तो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करना है। देखो, किसी भी सर्व समीका का यूज ना हो तो हम इस सबको जितना भी है ना दिया हुआ है, इन सभी को हम क्या करेंगे, साइन या कॉस में बदल करके देखेंगे। साइन या कॉस में बदलेंगे तभी ही सॉल्व होगा। तो सेक ए का फॉर्मूला वन बट्टे में कॉस ए, हम कॉस ए में बदल दिए। अब प्लस टेन ए का फॉर्मूला वन बट्टे कॉट लगाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, इसको हम डायरेक्ट बदल लेते हैं साइन कॉस में। तो टेन ए का फॉर्मूला साइन ए और बट्टे में क्या होता है, कॉस ए, यही ना होता है। और ये वाला हम साइन में तो बदला ही है, तो जो कहते हो रहने देते, वन माइनस के साइन पहले से बदला है तो क्यों इसको हम छेड़छाड़ करें, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, कौसे कौसे का एलसीएम लेंगे तो कौसे हमारे पास क्या बचेगा, कौसे से कौसे में भाग दें भागफल एक, एक से एक में गुना के तो एक, आप प्लस में इससे इसमें भाग देंगे तो एक, एक से साइन ए में गुना करेंगे तो साइन ए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है कि नहीं। अब ये वन माइनस के साइन है तो साइन ए, आपको पता नहीं इसके नीचे एक छिपा रहता है, लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये ए और ये बी, है ना, देखो ये पूरा ए, ये भी ए, ये बी, ये भी बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, और माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, ये नहीं होगा बट्टे में कॉस ए। आपको पता है कि वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, माइनस के साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे में कॉस ए है तो कॉस ए। अच्छा, कितने बच्चे बता सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए यानी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको बताया था ना, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पर ए है तो ए रखेंगे, ये कॉस ए तो कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए गुने में कॉस ए, यही ना लिख सकते हैं, अब बट्टे में कॉस ए, ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा कॉस ए, ई चेलाराम दास बच गया, ये हमारे पास आंसर हो गया, है कि नहीं। तो तीसरा आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया, स्क्रीन शॉट इसका मारिए था तनी मार लिए ना। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब जो सॉल्व करेंगे भैया, चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। चौथा सवाल क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। चौथा कहता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना, और बट्टे में वन प्लस में कॉट स्क्वायर ए, और बराबर है, किसके बराबर होगा, चलो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर, सेक स्क्वायर ए के बराबर। अब वन बटे कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर, तो कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सबको हम क्या करेंगे, साइन या कॉस में बदल लेंगे, तो चलिए हम बदल लेते हैं। सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला वन बट्टे में कॉस ए, इसका स्क्वायर कर देंगे, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए तो वन बट्टे में साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे भैया, तो ये मेन बट्टा है, तो बट्टा है तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए। जब मेन बट्टा को तोड़ेंगे, बट्टा का मतलब भाग, भाग को गुना में ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, है ना, और नीचे आ जाएगा एक, एक से कैंसिल, कैंसिल करो ना करो कोई बात नहीं है, साइन स्क्वायर ए ऊपर है तो साइन स्क्वायर ए ऊपर रहेगा, और नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए नीचे रहेगा। अब बताइए साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो टेन थीटा के बराबर होता है, टेन ए, लेकिन स्क्वायर है दोनों में, हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, तो बताइए हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने चौथा के चारों सवाल आपने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, पांचवा वाले सवाल
जिसमें प्रूव करना होता है यानी सिद्ध करने वाला सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारिए था। आइए अब हम सॉल्व करते हैं भैया पांचवा का पहला सवाल, ठीक है? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है, इतना हमको सिद्ध करके ला देना है। तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो हमें सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको साइन या कॉस के रूप में बदल लेते हैं। सबसे पहले कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/2 में साइन थीटा, ठीक है? माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो साइन और कॉस में बदलना है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा 1/2 साइन थीटा होता है, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ये होता है, बराबर में हमको ये लेके आना है। अब हम क्या करेंगे, साइन साइन का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन टैन, मतलब इससे इसमें भाग देंगे एक, एक से एक में गुना के एक माइनस का, अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर डालते चलना, ठीक है? चलिए ये हो गया, साइन से साइन कट जाएगा यानी साइन से साइन में भाग देंगे भागफल एक, एक से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस ही रहेगा। अब ये स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों पर स्क्वायर कर देते हैं, 1 के कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पहले पूरे में था, हम इसको अलग अलग कर दिए। आपको पता है कि 1 में कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम दो बार लिख सकते हैं ऐसे कि 1 के कॉस थीटा इंटू में 1 में कॉस थीटा हमने लिख दिया, और बट्टा में हम क्या करेंगे, 1 माइनस में मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हु बहु एक बार प्लस का एक बार माइनस का लिख दो। तो 1 में कॉस थीटा एक बार प्लस का एक बार माइनस का कॉस थीटा हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ई चेला सी चेला सेम है तो कट गया, बचेगा हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास जो बच गया 1 में कॉस थीटा इंटू 1 में कॉस थीटा, यही तो सिद्ध करके लाना था, ये तो आ गया ना, ये हमारे पास आ गया 1 में उतार दो कॉस थीटा 1 में कॉस थीटा, ये प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है कि नहीं? तो आइए अब हम क्या करेंगे, 5 का दूसरा सवाल लेते हैं। जल्दी से इसका क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ओके? आइए अब हम 5वां का दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी में देखोगे तो साइन और कॉस में बदला हुआ है, हमको ये लेके आना है ना, ये सब तो साइन और कॉस में बदला हुआ है, तो भैया कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा। लगाना क्या पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में गुना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 साइन ए भैया इंटू कॉस ए, ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो ये से ये कट जाएगा तो बचेगा कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस में कॉस से कॉस ए कट जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 1 के साइन ए, और 1 के साइन ए से 1 साइन ए में गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 के साइन ए का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमको तो ये लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आपको पता है 1 के साइन स्क्वायर ही होता है, इसको रहने देते हैं, बाद में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? प्लस में जरूरत पड़ेगा तो बदलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, और प्लस में 2ab तो 2 sin a, और गुने में ये ए के जगह पे 1 रखेंगे तो वही बात है, बी रख दिए क्योंकि 1 से 1 में गुना करेंगे तो वही बात है, इतना आएगा कि नहीं, सबको तोड़ेंगे तो देख लेना, ठीक है? बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के साइन ए इंटू कॉस ए, अच्छा देखो कॉस स्क्वायर ए आप प्लस में क्या है, साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, फॉर्मूला आपको पता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए
फॉर्मूला एक के बराबर होता है, तो वो एक हो जाएगा इन दोनों के बदले कॉस करे या प्लस साइन करे, आई पहले से एक है वो एक रह जाएगा, और प्लस में टू साइन ए है तो टू साइन ए रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा वन प्लस के साइन ए ठीक है इंटू कॉस ए। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, एक और एक कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, अब प्लस में दो साइन ए हो जाएगा, बटे में ये हमारे पास क्या आ जाएगा वन प्लस के साइन ए ठीक है इंटू में कॉस ए, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम इन दोनों में क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे कॉमन लेंगे, अच्छा बताइए दो और इस समय कॉमन लेंगे, अगर दो कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, अरे बचेगा इसमें एक और प्लस में इसमें बचेगा साइन ए, कॉमन लेने का मतलब, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, अगर दो कॉमन ले रहे हैं तो दो से इन सभी में भाग देंगे, तो दो से इस दो में भाग देंगे तो भागफल एक बचेगा वो एक लिख दिए, प्लस दो से इन दोनों में भाग देंगे इसमें भाग देंगे तो दो से दो कटेगा तो बचेगा साइन है, तो हम लिख दिए साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। और बट्टे में हमारे पास क्या हो जाएगा वन प्लस के साइन ए, साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों चेला सेम है, ये चेला से चेला कटेगा तो हमारे पास बचेगा दो बट्टे में कॉस ए। अच्छा अब बताइए कि दो से अगर एक में गुना करेंगे तो क्या होगा, दो है ना होगा, तो दो से एक में गुना करेंगे तो दो होता है, तो अच्छा हम क्या करते हैं दो है तो दो रखेंगे, एक बट्टा कॉस ए किसके बराबर होता है सेक ए के बराबर होता है कि नहीं, तो हमको यही तो लाना था, यही तो लाना था, तो टू बराबर टू सेक ए है, तो हम कह सकते हैं कि टू सेक ए बराबर टू सेक ए, तो इधर से हम सॉल्व करते हैं नीचे टू सेक ए बराबर जो हो गया टू सेक ए, प्रूव हो गया ना भैया, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, तो आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट मार लो, तो दूसरा हमें सॉल्व हो गया, हम क्या करते हैं अब तीसरा सॉल्व करते हैं। आइए अब हम पाँचवा का तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन और इसको ये हमको लेकर के आना है, कोई दिक्कत नहीं, इन सब में जो टेन और कॉट में दिया गया है इसको हम क्या करेंगे साइन और कॉस में पहले बदल लेंगे, तो चलिए हम बदलते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है भैया साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यही ना होता है, और ये मेन बटा है तो मेन बटा लगाइए, वन और माइनस में हमारे पास है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो वो होता है कॉस थीटा और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा, यही ना होगा, तो हमने लिख दिया प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, मेन बटा लगा दीजिए वन और माइनस के, ये हमारे पास टेन थीटा है इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, हमने लगा दिया। अब क्या करते हैं भैया यहाँ से ध्यान से देखना, ये हूबहू जैसा है वैसा हम लिख लेते हैं, पहले साइन थीटा तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा तो कॉस थीटा, ये मेन बटा तो मेन बटा लगाइए। अब ध्यान से देखिए इसके नीचे एक छिपा रहता है, अब साइन थीटा और वन में एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, अब इससे इसमें भाग देंगे तो भागफल साइन थीटा आएगा और साइन थीटा से एक में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ओके माइनस तो माइनस साइन थीटा में भाग देंगे भागफल एक, एक से कॉस थीटा में गुना किए तो कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है, प्लस है तो प्लस, ये हूबहू ऊपर का है जैसा का तैसा हम लिख लेते हैं, कॉस थीटा तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा तो साइन थीटा एंड मेन बटा लगाइए, इसके नीचे एक छिपा है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे कॉस थीटा एलसीएम लेंगे, ओके और बटे में वन से कॉस थीटा में हम भाग देंगे तो भागफल कॉस थीटा से एक में गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास कॉस थीटा, माइनस तो माइनस कॉस थीटा से कॉस में भाग देंगे भागफल एक, एक से साइन थीटा में गुना करेंगे तो साइन थीटा। अब इसको समझो इसमें क्या है भैया, ये मेन बटा है, क्या है ये बटा है ना, और बटा का मतलब क्या होता है भाग होता है, तो अगर ये भाग को गुना में ले जाएंगे तो ये साइन थीटा कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, है कि नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला है इसमें गुना हो जाएगा और नीचे वाले को इसमें गुना हो जाएगा, है कि नहीं, ये आपने समझ लिया, तो हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं ठीक उसी तरीके से, ये ऊपर वाला को इससे गुना और ये वाले को इससे गुना हो जाएगा, आप जब बदलोगे तो ध्यान से देखना, तो साइन थीटा से साइन थीटा में गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा में इनसे इसमें गुना करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये इतना आ गया, प्लस है तो प्लस,
कॉस या कॉस थीटा में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसे इसमें गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का एलसीएम हम कब ले सकते हैं, जब ये दोनों अगर बराबर करके एलसीएम लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो इसको हम बराबर कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा भैया। ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, और बट्टे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। ये प्लस है ना, इसमें हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ध्यान देखिएगा क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में अगर हम माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस वाला तो माइनस ऑलरेडी हो ही जाएगा, है कि नहीं। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे हम रहने देते हैं। अब इसमें माइनस कॉमन लेंगे नीचे से, तो ये साइन थीटा है तो साइन थीटा इंटू, ये प्लस वाला है ना तो ये माइनस वाला हो जाएगा, ये माइनस वाला है तो प्लस वाला हो जाएगा। तो माइनस वाला साइन थीटा को आगे कर लेते हैं जो कि ये प्लस वाला साइन थीटा हो जाएगा, ओके। और ये प्लस वाला है तो ये माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपने समझ लिया इसको, तो ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आप देख लीजिए। तो इस साइड हम ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। चलो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा भैया देख लो, कॉस थीटा इंटू ये वाला साइन थीटा हम गुना कर देंगे, माइनस को अभी छोड़ दो, पता चल जाएगा क्या होगा माइनस का, जो साइन थीटा और इंटू में ये दोनों सेम है तो भाई एक दोनों में से एक निकल जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। इसमें लगा दो बट्टा, तो हमने बट्टा लगा दिया। अब यहाँ से क्या करो भैया, इससे इसमें अगर भाग दोगे तो ये वाला से ये और ये पूरा कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में गुना करोगे तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा, यानी साइन के घन, ठीक है। और ये देखो प्लस और माइनस में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग दोगे तो साइन से ये तो साइन कट जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा में कॉस का थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये ए क्यू माइनस बी क्यू पर चला गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया मैं आपको बता दूं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हम कहीं पे लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं, ये होता है ए माइनस के बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसी पे हम तोड़ेंगे। तो a माइनस बी, तो a के जगह पे ए है और b के जगह पे ए है, यानी साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ये, इस पे आप तोड़ेंगे a स्क्वायर यानी साइन है a हमारे पास, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के ए बी, ए बी यानी साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो a ये साइन थीटा ये b है कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये ए बी हो जाएगा। और प्लस में क्या है हमारे पास, प्लस में है बी क्यू, तो बी हमारे पास है वही कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया, है कि नहीं। और बटे में हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, यही है ना, तो ये हमारे पास आ गया। अब देख लीजिए कुछ कटने वाला है क्या, हाँ कटने वाला है, ई चेला से ये चेला कट जाएगा, कट गया कि नहीं, दोनों सेम था। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये, है कि नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये है, तो अच्छा इसको हम क्या करते हैं बदल लेते हैं, तोड़ लेते हैं, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है ना, तो हम लिख सकते हैं इसको वन प्लस में साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, ये हमने लिख लिया, ओके। और बट्टे में हम क्या लिखेंगे, इधर नीचे जो हमारे पास है कॉस थीटा है ना इंटू साइन थीटा। अच्छा आपको पता है कि ये एक है प्लस में इतना है, तो ये जो दोनों हैं इन सभी के बट्टे में आएगा, इसका मतलब एक के बट्टे में भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा,
है कि नहीं। अब बीच में प्लस है तो प्लस, और इन दोनों के भी बट्टे में ये आएगा, है कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बट्टे में भी हमारे पास ये आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अच्छा अब ये बताओ वन बट्टे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सेक थीटा के बराबर, और वन बट्टे साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉसेक थीटा के बराबर होता है, तो ये कॉसेक थीटा, प्लस है तो प्लस, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा एक मरतबे, ठीक है, क्योंकि कॉस से कॉस कटा साइन से साइन कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक। अब यही तो प्रूव करना था, हम देख सकते हैं वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये तो आ गया, हम इसको सीधा से लिख लेंगे वन और प्लस में जिना जिना होना लिख देंगे, तो ये सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा, है कि नहीं। देखो हमने लिख दिया एक को इधर कर लिया, ये हमारे पास प्रूव हो गया, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल था और ये मैंने इसको बड़े बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। तो 8.4 का हमारे पास तीसरा प्रश्न जो है ये सॉल्व हो गया। आइए अब हम क्या करते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से मारिए। तो आप अब आइए हम क्या करते हैं, चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं, पाँचवा का चौथा ये प्रूव करने वाला है, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड दोनों को हम बदल लेंगे, ठीक है। देखिए वन बट्टे, देखिए ये जो पूरा है इस पूरे के बट्टे में ये है, यानी वन के बट्टे में भी सेक ए और सेक ए के बट्टे में भी सेक ए, तो इसको हम क्या करते हैं, वन बट्टे सेक ए आपस में सेक ए के भी बट्टे में हम क्या कर देंगे, सेक ए डाल देंगे, मैंने डाल दिया। इसको बदल साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वन माइनस में कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, और बट्टे में वन माइनस के कॉस ए है तो कॉस ए, करेक्ट ना। अच्छा वन बट्टे सेक ए किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे कॉस ए के बराबर होता है, प्लस सेक ए से सेक ए कटेगा तो वन आएगा, तो हमारे पास कॉस ए प्लस के वन आ गया। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, होता है कि नहीं होता है, तो होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो वन प्लस में कॉस ए इंटू वन माइनस में कॉस ए, ये हमने लिख दिया दो बार, और बट्टे में वन माइनस में कॉस ए है तो कॉस ए, ठीक है, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कॉस ए प्लस के वन है, इसको हम उल्टा कर सकते हैं, वन प्लस में कॉस ए भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख दिए मैंने, और बराबर में वन प्लस में कॉस ए, ये हमारे पास बच गया, यही तो प्रूव करना था, ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया, ओके, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब जो हम सॉल्व करेंगे भैया पांचवा, आइए अब हम सॉल्व करते हैं पांचवा का पांचवा सवाल, तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर लेते हैं, तो ये जैसा का है वैसा उतार लो, ये कॉस ए माइनस के साइन ए तो ए और प्लस के वन तो वन, और बट्टे में हूबहू उतार लो कॉस ए और प्लस में साइन ए और माइनस का वन। अब परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो जो रहेगा ऊपर मतलब जो नीचे वही हूबहू लिखो, लेकिन चिन्ह बदल जाता है, जो माइनस वाला वो प्लस वाला, जो प्लस वाला वो माइनस वाला, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस ए प्लस में साइन ए, और यहाँ पे देखिए ये माइनस है ना, ये बदल जाएगा, ये अलग कैटेगरी है और ये अलग है दोनों में भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस है तो ये प्लस का वन, और नीचे भी हूबहू वही रहेगा कॉस ए और प्लस में साइन ए और प्लस का वन, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देख लीजिए सिंपल सी बात है, देखो भैया यहाँ पे हम एक को ए मानेंगे एक को बी मानेंगे, कैसे मानेंगे, यहाँ पे देखो ये कॉस ए जो कि प्लस में है और ये वन प्लस में है, ठीक है, और यहाँ भी कॉस ए प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इन सभी को हम कॉस ए और प्लस वन को हम ए मान लेते हैं, यानी ए स्क्वायर कर देते हैं, और फिर माइनस के साइन है और इधर प्लस के साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के साइन स्क्वायर ए। आपको पता चला इसमें हम अभी हम किस में तोड़े, आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या है, यानी ये को इस पूरे को इस बीच को छोड़कर इसको a माने हैं और e वाले को b माने हैं, उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक इसको a माने हैं और ये b वाले को यानी साइन ए को ये b माने हैं, तो देखोगे a, ठीक है, a प्लस के वन, ठीक है, यानी जैसे कि a है और माइनस के यहाँ पे b है और यहाँ पे देख सकते a है और प्लस के b है, इसको तोड़ोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे
है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना आप लिख सकते हो, ठीक है। आप न समझ में आ रहा है तो इसको अच्छे से मैं सजा करके बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम कॉस ए लिखेंगे, ठीक है, और ई प्लस का वन पहले लिख लेंगे, ठीक है, बाद में ई माइनस का साइन ए लिखेंगे, ओके। उसी तरीके से इधर जो आप लिखोगे भैया कॉस ए, ठीक है, और ये प्लस का वन और ये वाला प्लस के साइन है, तो आपको क्या पता चलेगा, पता चल रहा है कि ये पूरा ए है और ये बी है, ये पूरा ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए ये बी ये ए और ये बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसी के रूप में इसको हम तोड़ दिए, है कि नहीं, और बट्टे में इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी देख सकते हो कॉस ए प्लस के साइन है, कॉस ए प्लस के साइन है, ये पूरा हू बहू है क्योंकि बीच में गुना है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कॉस ए और प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के वन वन, इसको हम कर सकते हैं वन का स्क्वायर, ये भी टूट गया, ये पूरा ए ये पूरा ए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस के बी पर टूट गया, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे, है कि नहीं, हम इसको मिटा देते हैं, ओके। अब इसको हम तोड़ेंगे, फिर वही बात है, अबे ससुरा कोयला गिर रहा है रे, हाँ, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा ए स्क्वायर, ए के जगह पे कॉस है तो कॉस स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर तो ये बी स्क्वायर की जगह यानी वन का स्क्वायर वन, और प्लस टू ए बी तो टू कॉस ए, ये हमारे पास हो गया। अब ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वो होता है वन माइनस के कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बटा लगाइए। अब इसको तोड़ो, ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, और प्लस टू ए बी तो टू ए ये बी तो टू ए यानी कॉस ए इंटू साइन ए, ओके, और माइनस के वन, ठीक है, ये हमारे पास आ गया वन का स्क्वायर वन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको देख लीजिए, एक स्टेप बढ़ाते हैं, कॉस स्क्वायर ए और प्लस के वन और प्लस के टू कॉस ए और माइनस के, देखिए प्लस है, माइनस में गुना करेंगे तो देखिए आगे प्लस छिपा रहा था, ठीक है, प्लस माइनस में माइनस ये वन, माइनस प्लस में गुना किए तो प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर ए या प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, एक के बराबर, वो एक और ये माइनस के कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा यानी टू इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, यही ना बचेगा, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ए को कॉस स्क्वायर ए और ए को कॉस स्क्वायर ए, टोटल क्या हो गया, दो कॉस स्क्वायर ए, तो दो कॉस स्क्वायर ए हमने कर दिया, प्लस का वन माइनस का वन ये कट जाएगा, ठीक है, प्लस के वन आई माइनस के वन से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा टू कॉस ए, प्लस के टू कॉस ए और बट्टे में टू टू कॉस ए इंटू साइन ए, टू कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, ये हमारे पास बच गया, है कि नहीं, तो बच गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देख लो क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले में, टू कॉस ए हम कॉमन ले लिए, तो हमारे पास बचा कॉस ए और प्लस में टू कॉस ए निकल गया, तो ए यहाँ बच गया सिर्फ वन, ये कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देख लो टू कॉस ए और इंटू साइन ए, अच्छा कटेगा कि नहीं, टू कॉस ए से टू कॉस ए कट जाएगा, तो बचेगा कॉस ए प्लस के वन बट्टे साइन ए, तो हम इसको क्या करते हैं, इसके भी बट्टे में साइन है और इसके भी बट्टे में साइन है, तो कॉस ए बट्टे में साइन ए हो जाएगा और ये बीच में प्लस वन बट्टे में साइन ए हो जाएगा, है कि नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए बट्टे साइन ए क्या होता है, कॉट ए, ये फॉर्मूला होता है, और प्लस में वन बट्टे साइन ए क्या होता है, कॉस ए, ये हमारे पास आ गया और ये प्रूफ हो गया, यही तो लाना था भैया, मैंने प्रूफ कर दिया, और उल्टा पुल्टा इधर उधर कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर कर सकते हैं, इसको उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो आपने पाँचवा का पाँचवा सवाल जो है आपने सॉल्व कर लिया, आइए हम इसका हम छठा प्रश्न देखते हैं, तो इसका स्क्रीन शॉट जल्दी से मारिए। तो आप आइए अब हम इसको पाँचवा का छठा प्रश्न सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वन प्लस के साइन ए है तो साइन ए, देखिए होता क्या है, सर्वसमिका का तो यूज हो नहीं रहा है, क्योंकि सर्वसमिका तो कहता है कि आप साइन या कॉस में बदलिए, है कि नहीं, मतलब अगर सर्वसमिका का यूज नहीं होता है तब तो उसके बाद आप क्या कीजिए, साइन या कॉस में बदल दिए दिए गए क्वेश्चन को, तो ये ऑलरेडी साइन कॉस में तो बदला हुआ है, कॉस नहीं तो कोई बात नहीं, साइन में तो बदला हुआ है, तो इसको हम कुछ अलग पैटर्न जो है ना वो लगाएंगे, तो बटे में वन माइनस के साइन लिखेंगे, और करनी है तो करनी लगा दीजिए, हम क्या करेंगे इसका कंजुगेट करेंगे यानी परिमेयकरण गुणा करेंगे, ये वन माइनस साइन है तो गुणा करेंगे तो वन प्लस के साइन ए हो जाएगा, और नीचे भी उतना सही वन प्लस के साइन ए हो जाएगा,
इस तरीके से हम रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। रूट है तो रूट लगाना पड़ेगा आपको बराबर में। अब देखो ध्यान से, वन प्लस के साइन इंटू वन प्लस साइन ए दोनों सेम है, तो जब दोनों को गुणा करेंगे तो वन प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और बटे में ये वन माइनस के साइन है, वन प्लस के साइन है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के ऊपर गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, यही ना हुआ। अब इसको रूट डाल दो, क्योंकि रूट है तो इसलिए रूट डालना तो पड़ेगा। देखो वन प्लस साइन स्क्वायर ए को इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, है ना। तोड़ लें यहीं पे या छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं। देखो हम क्या करते हैं, वन प्लस के साइन ए है तो ए लिखते हैं, ठीक है। अच्छा आप बताइए, वन का स्क्वायर तो वन होता है, तो वन होता है तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए का माइनस साइन स्क्वायर है, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, होता है कि नहीं। अब ये स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं भैया, इसके ऊपर तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा ही, ये रूट है तो रूट डाल दो, ठीक है। आपने समझ लिया टोटल चीज़, मैंने बता दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान से देखना, वन प्लस साइन ए का स्क्वायर है ना, तो रूट से क्या होता है स्क्वायर हट जाता है, यहाँ भी रूट है यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट, क्योंकि दोनों पर है तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो ये हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, वन प्लस के साइन ए बटे में कॉस ए, ठीक है, रूट हट गया। अब वन बटे कॉस ए, अब प्लस में साइन ए बटे में कॉस ए, यही ना हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भैया सिंपल सी बात, इसको इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, वन बटे कॉस ए किसके बराबर होता है तो सेक ए के बराबर, अब प्लस है तो प्लस क्योंकि बट्टा में तो दोनों के बट्टे में, और साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, टेन ए के बराबर होता है। अब देखिए तो कहीं आया कि नहीं, देखिए सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन आ गया तो ये तो प्रूव हो गया, है कि नहीं। तो आई होप कि आपने ये भी क्वेश्चन समझ लिया, तो आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। तो छठा सॉल्व हो गया, आप सातवां सॉल्व करेंगे, ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको टेन थीटा लाना है, हम ऊपर साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं और नीचे कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, चलिए ले लेते हैं। तो हम साइन थीटा अगर कॉमन लेंगे ऊपर में तो साइन थीटा सब में भाग देंगे, तो साइन थीटा में भाग देंगे तो भागफल एक आएगा, तो वो एक लिख दो। माइनस टू है तो टू, देखो साइन थीटा से साइन क्यूब थीटा में भाग देंगे तो इसमें तीन गो साइन थीटा है, साइन थीटा से भाग दे रहे हैं तो एक गो साइन थीटा हटेगा तो बचेगा दो गो साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, ओके ये बचेगा। और बट्टे में इसमें कॉस थीटा क्या करो, एलसीएम ले लो, तो इसमें क्या बचेगा भैया, टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के सिर्फ कॉस थीटा कॉस थीटा में भाग देंगे तो एक बचेगा, यानी एक लिख देंगे। अब देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा आ गया, तो अब यहाँ तो रिजल्ट आ गया, अभी दोनों को जो है ना गैप करना सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा तो साइन थीटा और इनटू हम गैप कर देते हैं, क्या करेंगे, वन है ना तो वन लिखिए और माइनस टू है तो टू इनटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला वन माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होता है भाई, और कॉस थीटा इनटू टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा और माइनस के वन तो वन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, साइन थीटा तो साइन थीटा, अब ध्यान से देखिए ये वन है ना तो वन लिखेंगे, माइनस के टू से एक में गुना करेंगे तो टू, माइनस माइनस गुना के तो प्लस, टू से कॉस स्क्वायर में गुना करेंगे तो टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। और बट्टे में ये जो कहते हो कॉस थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा, अब ध्यान से देखिए भैया ये टू कॉस स्क्वायर थीटा है ना, हम इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस वाला है था कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए पहले, ये लिख लिया। अब देखो एक में से दो घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस के एक ही ना होगा, तो मैंने लिख दिया। अब ये जो है कॉस थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन, ये नीचे वाला लिख दिया, ये दोनों सेम हो गया, ये चला से ये चला कट गया तो ये चला बचा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, यही तो प्रूव करना था और मैंने प्रूव कर दिया, तो बड़े ही सिंपल तरीके से हमने क्या किया, इसको प्रूव कर लिया। सातवां हो गया, आइए अब हम क्या करते हैं, आठवां सॉल्व करते हैं। चलिए आइए दोस्तों अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हमको लेकर के आना है, बड़ा आसान है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है तो उसी पे हम तोड़ लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए और प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस टू ए बी। क्वेश्चन पहले मैं देख लेता हूँ, माइनस वगैरह कुछ है या नहीं है वो पहले देख लेता हूँ, माइनस तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, चलो रहने दो। अब प्लस में टू ए बी, तो ए हमारे पास है साइन ए इंटू बी हमारे पास है कॉसिक ए, है ना, और मैं गलती भी लिख रहा हूँ कॉसिक ए, और ये तो हो गया इसका। अब ये बचा प्लस में,
ए प्लस बी कॉस स्क्वायर पे इसको तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस टू ए बी, तो टू ए ए हमारे पास है कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, है ना। अब ये तो हमारे पास आ गया, अब हमारे पास बचा क्या, कुछ नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम सॉल्व करते हैं। अच्छा साइन स्क्वायर ए है ना, साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर ए हो गया। आप प्लस में कौशिक स्क्वायर ए है, ठीक है, सी ओ एस ई सी, कौशिक स्क्वायर ए, तो कौशिक स्क्वायर ए आप प्लस, मतलब साइन से और कौशिक में गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन ए गुने कौशिक एक के बराबर होता है, कितना होता है एक, ये फॉर्मूला है, साइन थीटा गुने कौशिक थीटा कितना होता है एक होता है, तो उसे एक से दो में गुना करेंगे तो दो होता है, ठीक है कि नहीं, तो पूरा का मान दो ही। आप प्लस में इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए है, ओके। अब क्या करते हैं यहाँ से कि कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस में सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए रहने देते हैं, का दिक्कत है, आप प्लस में इसको गुना करो, देखो कॉस ए गुने में सेक ए क्या होता है एक होगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो एक के बराबर होता है, उस एक में दो से गुना करेंगे तो दो होगा। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे, तो देखो कॉस ए गुने में सेक ए, सेक ए बराबर क्या, तो वन बटे में कॉस ए है ना, कॉस से कॉस कटेगा वन बचेगा ना, वन से दो में गुना करेंगे दो हो जाएगा, तो मैंने ये लिख दिया, ओके। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देख लो साइन स्क्वायर ए आप प्लस में कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर, एक के बराबर, तो हम एक लिख लेते हैं यहीं पे। आप प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला लगा दो, वन प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ओके। प्लस में दो है तो दो, और प्लस में इसका तो कहानी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो निकाल लिए एक के बराबर। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस में टेन स्क्वायर ए होता है, आप प्लस में दो तो दो, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और एक कितना होता है दो, दो और दो चार, चार और दो छः, छः और एक सात, कितना होगा सात होगा, आप प्लस में सबको जोड़ लो, देखो एक दो, दो और दो चार, चार और एक पाँच, पाँच दो सात हो गया, आप प्लस में कॉट स्क्वायर है, आप प्लस में टेन स्क्वायर है, ये बच गया, तो इसको हम लिख लेते हैं, जो प्रूफ करना है उसी हिसाब से लिख लेते हैं, प्लस में टेन स्क्वायर ए, ये वाला लिख लिया, प्लस में ये कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए, यही तो लाना था और ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो आठवां सवाल, इन पाँचवा का आठवां भी सॉल्व हो गया। अब आइए अब हम नौवां, अब बच गया नौवां और दसवां सवाल, इन दोनों वीडियो का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग देख लेना जा करके, ठीक है। चलो भाई अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।